मित्रों नमस्कार, मैं यार निशा बाबा के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं दिल्ली के जीटीवी इनक्लेव में हूँ, जहाँ पर महाराज जी के एक भक्त से मिल रहा हूँ, जिनका नाम है सुरेश चंद्रा जी। आइए महाराज जी के बारे में उनसे कुछ बात करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है भाई साहब इस कार्यक्रम में। सभी लोगों को नमस्कार जो इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को जो है गुरुदेव की तरफ से जो है आशीर्वाद। पहली बार महाराज जी के बारे में, बाबा नेव करोरी के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? जानकारी तो ये है कि मेरा जन्म जो है जहाँ पर बाबा नेव करोरी गांव में सबसे पहले आए थे, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, तो वहाँ से लगभग जो है 16 किलोमीटर दूर जो है बेवर एक जगह है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और हमारे पिताजी जो है पुलिस में थे, यूपी पुलिस में, उनकी पोस्टिंग वहीं बेवर थाने में ही थी जी। तो आज भी वो क्वार्टर मौजूद है, बिल्कुल जब आप जो है जीटी रोड से जाएंगे सीधा दिल्ली से कानपुर, तो बिल्कुल जो है बाईपास पे वो क्वार्टर आज भी मैंने अभी देखा है, मौजूद है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और हमारी जो है अम्मा और पिताजी बताते थे कि जब तू छोटा था तो जो है धूप में मालिश करके लिटा दिया था, तो उसी समय जो है एक बंदर महाराज पेड़ से उतरे और मुझे उठा के जो अपनी गोदी में ऊपर पेड़ पर ही लेके चले गए। तो उस समय जो है सारा बेवर सिटी इतना बड़ा भी नहीं था, सारे लोग इकट्ठे हो गए कि छोटे से बच्चे को जो है वो ऊपर बंदर ले गया है, पता नहीं वहाँ से फेंक ना दे कहीं, है ना। तो सारा जो है वहाँ का जो है कस्बे के लोग इकट्ठे हुए, पूरी थाने की पुलिस फोर्स थी वो सारी इकट्ठी हुई कि किसी तरह से जो है इस बच्चे को जो है वो नीचे आराम से उतार दें जी। तो जैसी भी व्यवस्था की होगी उन्होंने की, लेकिन जो है वो बंदर महाराज आराम से मुझे जो है बिना कोई आघात और चोट किए हुए नीचे खाट पे छोड़ गए। तो उससे मुझे मतलब ये आभास हुआ कि बाबा जी ने तो मुझे, महाराज जी ने तो बचपन से ही अपनी गोद में ले लिया जी। और तभी से जो है वो अपनी जो भी चमत्कार थे वो मेरे साथ करना शुरू कर दिया उन्होंने जी। तो इस तरह से जो है मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा जी ने तो मुझे जो है बचपन से ही गोद ले रखा है और जब तक जो है इस शरीर में सांस है बाबा जी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा साथ हैं। और मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और कोई भी काम होता है कि आज तक मतलब जो है बाबा जी के नाम से कोई भी काम मैं करता हूँ उसमें कोई भी परेशानी व्याधि ठीक है नहीं आती, वो आराम से काम जो है सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह का हो, कहीं आना हो, जाना हो या कुछ और काम हो, वो बड़ी आसानी से महाराज जी कर देते हैं। महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है कि वो जो है 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, इसलिए जो है मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं अकेला हूँ। मैं जब चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है जी। तो मुझे लगता है कि महाराज जी जो है मेरे साथ हैं। और कहीं भी जैसे बाहर भी मैं बहुत बार गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत सारे मतलब जो है ऐसे अनुभव हुए कि मुझे वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं है, बिना रिजर्वेशन के जनरल डिब्बे में चढ़ गए, वहाँ पे भी लोगों ने जो है आराम से मुझे बैठने के लिए व्यवस्था की। और जहाँ पहुँचे वहाँ पे भी जो है आराम से लोगों ने जो है मुझे मतलब हर तरह से अच्छी तरह से रखा, गाइड किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने यहाँ ले जाने के लिए भी लोगों ने कहा कि आज हमारे यहाँ रुकना। और कलकत्ता में एक इंटरव्यू में देने गया था, वहाँ तो एक परिवार था, उनके साथ मुझे जाना पड़ा। आगे से जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ पर जो है एक क्या नाम, भीड़ तो बहुत थी, हावड़ा ब्रिज है तो उस पर बहुत ज़्यादा रश था। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर ऐसा करता हूँ कि टैक्सी से चलते हैं। मैंने टैक्सी से कहाँ चलेंगे, किधर से चलेंगे, तो वो पहले नहीं, पहले तो उन्होंने कहा स्टीमर से चलेंगे, उधर पार करेंगे, वो था राम घाट, हुगली का जो है ना एक राम घाट जो है घाट था, कि बेटे उधर पार करके वहाँ से जो हम लोग बस पकड़ेंगे या टैक्सी लेंगे। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए स्टीमर से। अब मेरा एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, सारा खाने का किराया भाड़ा मतलब जो भी है वो सारा वो खर्च कर रहे हैं, मेरा एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा बिल्कुल। और फिर जो है वहाँ पे राम घाट पर जब पहुँचे तो 12B नंबर उन्होंने बताया था एक बस जाती, वो बस एकदम आ गई। तो मैंने कहा मैंने भाई साहब ये बस आ गई, बस में चलो।
वो कहने लगे बेटे छोड़ो बस में नहीं चलते हैं, हम टैक्सी करते हैं यहाँ से, टैक्सी से चलेंगे। तो उन्होंने जो है वहाँ से, एक सरदार जी थे अपना बंगाली भाषा में बोल के टैक्सी वाले को बुलाया और क्या बोला उस समय मेरी तो समझ में नहीं आया जाना कहाँ है। बैठ गए हम, लेकिन अंदर से है डर जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ था कि पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कोई जान पहचान नहीं क्या है, है ना। ये सब बाबा करा रहे थे, बाबा सब देख रहे थे कि जो है बेटे तू सुरक्षित है, चल कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ हैं। तो वो जो है धीरे धीरे उसमें क्या नाम टैक्सी में बैठ के जब चलते रहे तो नदी का किनारा थोड़ा जंगल सा होता ही है और पेड़ पौधे होते हैं, तो मुझे डर सा भी लग रहा था, मैंने पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद एकदम जो है चौड़े चौड़े रोड और अच्छी अच्छी बिल्डिंग सी दिखाई देने लगी कलकत्ता की, तब मेरे को जो है थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक जगह जा रहे हैं। तो जाने के बाद जो है जो उनका ऑफिस था उसका नाम था मैरीन हाउस, तो मैरीन हाउस में जो है गार्ड खड़ा हुआ था बाहर ड्यूटी पे। तो जैसे ही टैक्सी से उतरे हम लोग जो है उधर को चले गेट की तरफ, तो उसने गार्ड ने सलूट किया उनको एकदम, तब मेरा जो है थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि मैं ठीक ठाक जगह और ठीक ठाक व्यक्ति के साथ हूँ। उसके बाद जो है वो अंदर ले गए, अंदर जाके बच्चे थे उनकी मिसेज बच्चे वगैरह, उनसे खाना वाला वगैरह खिलवा के ठीक है मेरे को लिटा दिया कि सुबह आपको किस समय जाना है। तो मैंने बता दिया कि मुझे 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो ठीक है अच्छा कि आप तैयार हो जाना, हम आपको छोड़ेंगे जाके वहाँ पे। तो हम लोग जो है हम तो तैयार हो गए नहा धो के, नई जगह थी, नींद भी नहीं आई और अजीब सा मेरे को भी लग रहा था पता नहीं जो है पता नहीं भगवान के रूप में मेरे को ये मिल गए यहाँ पर, है ना, बाबा ने खुद ही भेज दिया है या खुद ही आ गए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था वहाँ पर। तो उसके बाद सुबह उन्होंने अपने बेटे को भेजा मेरे पास कि जाओ तो बुला लाओ, तो हम गए वहाँ पर नाश्ता वास्ता करा के, फिर उन्होंने मेरा वो एड्रेस लिया का। तो उस समय जो है वो हमें उन्होंने वहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पहुँचा दिया, बिठा दिया कि यहीं आपका इंटरव्यू होना है। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बेटे कैसे आओगे, मैंने आप बता दो एड्रेस वगैरह कैसे आना, मैं आ जाऊँगा वैसे ही। तभी उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन स्टेडियम के पास जो है टैक्सी स्टैंड है, वहाँ आप चले जाना, वो अनजाने लोगों से तो 200-300 रुपये मांगेंगे लेकिन 75 रुपीज़ जो है किराया है मैरीन हाउस तक का, तो आप उनको बता देना कि मैं नया तो हूँ नहीं यहाँ पर, आप कहोगे तो अपने आप समझ जाएंगे वो कि हाँ ये आते जाते हैं। तो मैंने टैक्सी करके वो उनके घर पे पहुँच गया। मैं वहाँ पर जो है खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर वो कहने लगे कि बेटे जो है आप 1-2 महीने रुको। मैंने भैया अब तो हम रुकेंगे नहीं, जाएंगे दिल्ली कि नहीं नहीं आप चलो, हम जो है मेरा शिप, वो शिप के कैप्टन थे कि मेरा शिप जो है वो यूरोपियन कंट्रीज 26 कंट्रीज को जा रहा है, 26 कंट्रीज हम आपको अपने शिप में घुमा के लाएंगे। तो मैंने तो उस समय मना किया कि नहीं नहीं मेरे को दिल्ली जाना है, मतलब बहाने हमने हर तरह के बनाए उनके सामने। तो वो बेचारे कि नहीं नहीं बेटे चलो घुमा के लाएंगे, ऐसा मौका कहाँ मिलता, मैं खुद जो है कैप्टन हूँ, मैं आपको खुद अपने साथ ले चलूँगा। फिर भी मैंने बहुत जिद की, तो जिद करने के बाद उन्होंने क्या किया, सारी ट्रेन्स का देखा कि किसी में रिजर्वेशन या सीट है कि नहीं है, किसी में भी राजधानी में भी नहीं थी, किसी ट्रेन में कोई सीट नहीं थी। अब वो कहने लगे बेटे कैसे जाओगे, अब मैंने कैसे भी बिठा दो मुझे कहीं भी मैं चला जाऊँगा। खैर क्या हुआ कि वो फिर जो आर्मी का कंपार्टमेंट होता है उस आर्मी कंपार्टमेंट में गए, तो वहाँ उन्होंने जो है आर्मी वालों के साथ कहा कि जो है इस बेटे को अपने साथ ले जाना, आप लोग किधर जा रहे हैं, उन्होंने बॉम्बे की ट्रेन थी वो तो उधर इलाहाबाद होके जानी थी, वो इलाहाबाद तक इनको साथ अपने ले जाना और इलाहाबाद से फिर ये चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में उन भाई साहब का जो है दिमाग में परिवर्तन हुआ कि ये बेटा जो है कहीं भटक ना जाए, कहीं और ना चला जाए। तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो व्यक्ति वो सीधा जो है हावड़ा से और इलाहाबाद तक मेरे साथ आए। हाँ इलाहाबाद तक मुझे मेरे साथ आए, और साथ आने के बाद क्योंकि वो ट्रेन तो सीधी बॉम्बे जानी थी, कट जाना था उसका रास्ता वहां से, तो उससे दो घंटे बाद जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आ रही थी पीछे से, उसका टाइम उन्होंने पता किया कि 2 घंटे बाद वो आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको उसमें बिठा दूंगा नॉर्थ ईस्ट में, फास्ट गाड़ी है जल्दी पहुंच जाओगे। तो उन्होंने पहले तो मुझे बाहर ले गए, खाना वगैरह खिलाया, और फिर कहने भी लगे कि चलो दिल्ली तक छोड़ के आए। मैंने नहीं नहीं अब आप जो है मुझे यहाँ से बिठा दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, पहुँच जाऊँगा दिल्ली, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से।
फिर जो है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मुझे बिठा दिया और उसके बाद जो है हम सीधे दिल्ली पहुँचे। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटे जो है टच में रहना, चिट्ठी वगैरह लिखते रहना, एड्रेस वगैरह दिया था, मैं चिट्ठियाँ भी लिखता रहा, ठीक है, और फिर जाने का मौका नहीं मिला फिर उनसे दोबारा कभी। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि प्रभु जी जो है हर जगह मेरे साथ हैं, आज भी अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे भी मुझे ये पूरा मतलब 100 का जो है 1,00,000% पूरा भरोसा है कि महाराज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, है ना, और वो हर काम को जो है देख रहे हैं। तो मैं तो महाराज जी के लिए अब जो जी रहा हूँ एक तरीके से देखा है, मैं तो उनका ही भक्त हूँ और वो जो कहते हैं मैं उन्हीं के इशारे पे चलता हूँ, अपनी किसी मर्जी से नहीं चलता हूँ। वो जैसा आइडिया दें, जैसा भी कहें या स्वप्न दें या बताएं, तो मैं उन्हीं के अनुसार चलता हूँ और जो कुछ भी हूँ मैं, ठीक है, आज तक वो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो सब महाराज जी का है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिन किसी और बाबा के महाराज जी के भक्त के साथ हम बैठ के महाराज जी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।